हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए भाई आज फाइनली 20 दिन हो चुके हैं। तो भैया, इस फिल्म को 20वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा ऑक्यूपेंसी रेट मिला है और आज के ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन कर सकती है, ये सारी जानकारी अब मैं रखूंगा आपके सामने इस फिल्म के आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के प्रेडिक्शन के माध्यम से। तो भाई, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि पठान ने पिछले 19 दिनों में जो अब तक बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 489 करोड़ 5 लाख रुपीस का। यानी कि भैया, इस फिल्म ने तीनों लैंग्वेजों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर इतने का कलेक्शन अब तक कर दिखाया है। अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी आज हम लोग के सामने आई है कि भैया, इस फिल्म को तीसरे मंडे को जो मॉर्निंग के शो में ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 8.10% का। उसके बाद इस फिल्म को तीसरे मंडे को आफ्टरनून के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 7.86% का। और उसके बाद भैया, इस फिल्म को आज इवनिंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 9.21% का। यानी कि भैया, इस फिल्म को आज हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ये जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है इसकी मदद से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से आज बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा है 4 करोड़ 60 लाख रुपीज़ का। यानी भैया, इस कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म 20वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा है 493 करोड़ से लेकर 495 करोड़ तक का। यानी कि भैया, ये फिल्म आज लगभग लगभग 500 करोड़ के करीब पहुंचती नजर आ रही है तीनों लैंग्वेजों के माध्यम से। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया, ये फिल्म तो 500 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है तीनों लैंग्वेजों के माध्यम से, तो भाई ये फिल्म केवल हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ का आंकड़ा कब तक छूकर दिखाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।